मुरादाबाद के शिक्षा विभाग की कोशिशों से यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मुरादाबाद के 8 केंद्रों पर संपन्न करा लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के लिए शिक्षा विभाग को काफी मेहनत करनी पड़ी। इस मौके पर मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य संपन्न होने के बाद कहा है कि सभी का भरपूर सहयोग रहा है। लॉकडाउन के दौरान सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन संपन्न कराने के लिए सभी लोगों ने सहयोग किया और एक बड़ी चुनौती थी जिसको हमने सब लोगों ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया है और अपने कार्य को संपन्न किया है। बताया जा रहा है अगले महीने में यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आने की संभावना बताई जा रही है। लॉकडाउन में मूल्यांकन प्रक्रिया को मुरादाबाद के शिक्षा विभाग में बड़े ही अच्छे अंदाज में संपन्न कर लिया है। मुरादाबाद के 8 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोजित किया गया। मूल्यांकन के पहले दिन शिक्षकों की उपस्थिति कम देखी गई और लगातार शिक्षा विभाग को परेशानी भी सामने आई। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी के प्रयासों से जनपद मुरादाबाद में मूल्यांकन प्रक्रिया बेहतर तरीके से संपन्न कराई गई और अब सभी कॉपियां सील होने के बाद भेजने का कार्य किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया, मुरादाबाद में मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसके बाद लॉकडाउन से चलते मूल्यांकन प्रक्रिया को बंद करना पड़ा। शिक्षा विभाग और सभी के सहयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया दोबारा शुरू किया गया और बड़ी तेजी के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को संपन्न कर लिया गया। आशा लगाई जा रही है कि जून के महीने में रिजल्ट भी घोषित हो सकता है। देखिए, जनपद मुरादाबाद चूंकि रेड जोन में था इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बोर्ड परीक्षा हमारी 2020 की संपन्न हुई थी उसके उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन 19 तारीख से प्रारंभ किया गया था और 19 तारीख से हमारे जनपद में कुल 8 मूल्यांकन केंद्र थे। इसमें 6 मूल्यांकन केंद्रों पर तो कल ही शत प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका था, लेकिन 2 मूल्यांकन केंद्र हमारे ऐसे थे जिन पे थोड़ा सा काम अवशेष रह गया था, वह आज 2 बजे तक वो भी पूर्ण कर लिया जाएगा और आज 2 बजे तक हमारे जनपद के सभी 8 मूल्यांकन केंद्रों पर 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा और शासन द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है कि 29 तारीख तक सभी जो हमारे वार्ड ब्लैंक हैं उसके पर्ण क्षेत्रीय कार्यालय को जमा करने हैं, तो आज सायं तक हमारे सभी 8 मूल्यांकन केंद्रों के जो भी पत्र जात हैं वह हैंडओवर कर दिए जाएंगे और इसमें हमारे सभी 8 मूल्यांकन केंद्रों के जो उप नियंत्रक हैं उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया और साथ ही साथ हमारे सभी जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जहां सार्वजनिक यातायात का साधन नहीं था फिर भी दूरस्थ क्षेत्रों से आकर के उन सब लोगों ने मूल्यांकन कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित कराया है, इसके लिए हम सबको साधुवाद देते हैं और सबके परिश्रम से ही हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप इस कार्य को पूर्ण कराने में सफल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा जो सत्र होगा विश्वविद्यालयों का वह समय से जून में परीक्षाफल घोषित हो जाने के कारण समय से हमारा जो नया विश्वविद्यालयों का सत्र है वो भी प्रारंभ हो सकेगा और हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने से भी वंचित नहीं रहेंगे। एक बार पुनः सभी उप नियंत्रकों को, सभी परीक्षकों को, सभी उप प्रधान परीक्षकों को हार्दिक शुभकामना। इसमें हमारे मीडिया के बंधुओं का भी पूर्ण सहयोग हमें मिला, इसके लिए हमारे सभी मीडिया के साथी भी बधाई के पात्र हैं।